लेकिन दोस्तों आज हम चलते चलते कनकिया के पास आए थे और इसी बीच आज की COVID-19 रिपोर्ट आई। मैंने आप सबको मैसेज किया था, मैंने बहुत से लोगों को ये मैसेज किया था कि आज की रिपोर्ट आने में थोड़ी देरी होगी, और देरी इसलिए हुई क्योंकि आज 51 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज 51 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं और 11 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रिकवर हुए हैं। तो मीरा भाईंदर में अब टोटल 454 यानी 454 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए जा चुके हैं, जिसमें से 263 मतलब 263 रिकवर हो चुके हैं और 12 की दुखद मृत्यु हो चुकी है। तो दोस्तों आज 51 पाना ये बहुत ही विकट परिस्थिति है। 2 मई को 56 पेशेंट रिकवर होने की न्यूज़ आई थी, तो उसमें हम सब ने खुशी मनाई थी, लेकिन आज 51 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं तो ये बहुत ही दुखद बात है मीरा भाईंदर के लिए। आप सबको अभी और ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, 2 दिन में ईद भी है, ईद में भी आप सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करना, लॉकडाउन का पूरा पालन करना, क्योंकि मीरा भाईंदर की परिस्थिति दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अब तक मीरा भाईंदर के 2069 लोगों का स्वैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया है, जिसमें से 454 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 1507 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 108 की रिपोर्ट आना बाकी है। दोस्तों बहुत ही विकट परिस्थिति है, और मैं इसके साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपको पूरे 51 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की रिपोर्ट की जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, मैं आपको उसकी पूरे एरिया की डिटेल्स आपको आपके मोबाइल पर प्रोवाइड कर दूंगा। मैं फिर से आपसे यही कहूँगा कि अभी हमें और ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, आप सब सावधान रहे, सुरक्षित रहे और घर से बाहर ना निकले। थैंक यू सो मच। 51 पॉजिटिव पेशेंट आना, मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही चिंता की बात है, बहुत ही सोचने की बात है कि इतने पॉजिटिव पेशेंट एक साथ पाए गए। ये उबैद जी हैं इखलास फाउंडेशन से, ये हर रोज़ जो है इनका काम ही है और रात में जो है राशन किट बनाना और सुबह से जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। इन्होंने आज जो है 500 लोगों को करीबन जो है मसाचापाड़ा मीरा भाईंदर के जो है काशी मीरा स्थित मसाचापाड़ा में 500 लोगों को राशन किट भी बांटा, जिसमें जो है मीरा भाईंदर की मेयर ज्योत्ना हसनाले भी थी शामिल। आज मैं यहाँ पे ही आया तो इनसे एक मैसेज लेना चाहता हूँ कि ये बड़ी चिंता की बात है मीरा भाईंदर, आप तो डे फर्स्ट से लॉकडाउन में काम कर रहे हैं, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? सामने दो दिन के बाद ईद भी है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने वैसे 950 किट बांटे है पूरे, एक काशीमीरा के अंदर हमने 550 बांटे है, भाईंदर के अंदर भी गया है, नया नगर के अंदर भी गया। हमारी जो टीम जो है ना वो सारे लोगों से मिलती है, मतलब लोगों से मिलती है, इंटरेक्ट करती है, एक एक बिल्डिंग के अंदर भी जाती है, सब कुछ जाती है। तो मैं मेरे मुस्लिम भाइयों से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि 2 दिन बाद ईद है और आप घर में रहिए, अपने घर के लोगों के साथ में ईद मनाइए। ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद आप अपने रिश्तेदारों को मिलने जाइए, और नमाज का जहाँ तक मसला है तो आप अपने उलमा इकराम से पूछिए, मुफ्ती साहब हो गए या तो आपके मस्जिद के आजू बाजू के जो लोग रहेंगे आप उनसे पूछिए कि भाई इसको किस तरीके से हम ईद की नमाज़ अदा करें। वैसे ईद की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है, ये वाजिब में आता है, और आप इसको घर के अंदर सुबह में इशराक की नमाज़ पढ़िए, चाश की नमाज़ पढ़िए तो भी आपकी इबादत हो जाती है। बाकी आपको पढ़ना है तो आप घर वालों के साथ में मिलकर, क्योंकि ईद का खुतबा असल होता है, लेकिन आप इसके अंदर नफिल नमाज़ पढ़ ले, चाश की पढ़ ले, इशराक पढ़ ले तो भी आपकी इबादत हो जाती है। थैंक यू सो मच। तो ये है इखलास फाउंडेशन के उबैद फ्रूट वाला, इनका नाम है, डे फर्स्ट से ये लॉकडाउन में बहुत अच्छी तरह से जो लोगों की सेवा कर रहे हैं COVID-19 की। और ये है दस्तरखान होटल जिनका है, उनका नाम है अर्शियान करके, और इन्होंने अपने होटल को हर तरह से जो COVID-19 के रिलीफ के लिए है वो दे दिया है। यहाँ पे बहुत सारे पैकेट भी बनते हैं, फूड भी बनते हैं, होम डिलीवरी भी की जाती है। इसके साथ साथ जिन लोगों को ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, उनको हर रोज़ खाना डे फर्स्ट से दिया जा रहा है। पहले तो बहुत सारे फूड पैकेट बनते थे, लेकिन अभी फूड पैकेट बांटना कम हो गया है, लेकिन अभी भी जिन लोगों को ज़रूरत होता है वो यहाँ से खाना लेके जाते हैं। उबैद जी ने एक बहुत अच्छा मैसेज
मैसेज दिया खास करके मुस्लिम समाज के लिए कि आप लोग जो है ईद के दिन जो है कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें, आप अपने उलमाओं से बात करें, मुफ्तियों से बात करें और उसके हिसाब से जो है आप अपनी नमाज अदा करें। क्योंकि ये कोरोना संकट है, आप जानबूझ के तो ऐसा नहीं कर रहे हो कि मस्जिद नहीं जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, ये ऐसा प्रॉब्लम है जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आज अगर 51 पॉजिटिव आए हैं तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ईद की नमाज भी पढ़ें, घर में पढ़ें, स्टे सेफ, स्टे होम। और इस बार जो ईद का एक मैसेज दें, आप अपने जितने भी मिलने जुलने वाले लोग हैं उनको फ़ोन पे ये मैसेज दें कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें ताकि ये कोरोना को जल्दी से जल्द भगाया जा सके। थैंक यू सो मच।